नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। अभी बीते सोमवार को गाजीपुर जिले का चार्ज संभालने के बाद नवागढ़ डीएम ओम प्रकाश आर्य शुक्रवार को एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की भूमिका में नजर आए और सदर क्षेत्र के सकरा प्राइमरी स्कूल में उन्होंने दरी पर बैठे नन्हे मुन्ने बच्चों की क्लास ली और बाकायदा ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिख कर उनको पढ़ाया और सवाल भी पूछे। साथ ही उन्होंने मिड डे मील और उपस्थिति पंजिका को भी चेक किया। जिलाधिकारी अचानक सकरा गांव की सरकारी प्राइमरी पाठशाला क्लास में पहुंचे और उन्होंने बच्चों से सामान्य बातचीत की। उसके बाद जिलाधिकारी ने चाक उठाई और ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को सरल ढंग से गणित समझाने लगे। जिलाधिकारी ने इस दौरान शिक्षकों से कहा कि हमें बच्चों को सरल ढंग से पढ़ाना आना चाहिए। दरअसल देखा जाए तो उस समय जिलाधिकारी बच्चों के साथ साथ शिक्षकों का भी क्लास ले रहे थे। मैं सकरा विलेज है वहाँ आज गया था, तो फिर मैंने वहाँ के प्राथमिक विद्यालय को भी विजिट किया। मैंने बेसिकली ये देखना था कि जो टीचर्स हैं वो टाइम से स्कूल आ रहे हैं कि नहीं, बच्चों को जो शासन सुविधाएं दे रही है उनको उनके स्कूल में जो किताबें हैं, ड्रेस है, जूते मोजे हैं, बैग्स हैं, वो हैं कि नहीं, और इससे ज़्यादा जो उनका लर्निंग लेवल है वो ठीक है कि नहीं। तो मैंने बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, लर्निंग लेवल ठीक है बट अभी और बेहतर किए जाने की आवश्यकता है। तो उस निमित्त मैंने कुछ देर बच्चों के साथ बिताया, उनसे कुछ सवाल जवाब भी किए और मुझे अच्छा लगा कि बच्चे इंटरेस्टेड हैं। अगर उनके साथ थोड़ा और परिश्रम किया जाए तो अच्छे बच्चे यहाँ से निकल।